इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक रात से जहाँ पर दो मुस्लिम लड़के भाग रहे रेगिस्तान में और उनके पीछे मिलिट्री ऑफिसर लगे। हमेशा से आप लोग देखते हैं कि एनकाउंटर जब भी होता है तो पुलिस वाले एनकाउंटर करते लिखेंगे, यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर है, दो टेररिस्ट, आप फिलहाल तो टेररिस्ट ही कह सकते हो, उनके पीछे भागते रहते, क्योंकि जब भी कोई मुस्लिम के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में बताता तो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट ही बताता। अब वो चाहे टेररिस्ट हो या ना हो, लेकिन मुसलमान है तो उसको टेररिस्ट ही बताएंगे फिल्म में, जो कि इस सीरीज में भी बिल्कुल उसी तरीके से बताया। लेकिन खैर, अब कहानी में ट्विस्ट यह था कि उस रात को वो दो लड़के तो मारे जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो एक मिलिट्री ऑफिसर है वो भी मारा जाता है, अजय पासवान। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो दो मुस्लिम मारे जाते हैं उनकी फैमिली वाले और पूरे गांव के गांव आ जाते हैं, बोलते कि भाई जो हमारे दो लड़के को एनकाउंटर किया वो लड़के टेररिस्ट नहीं थे, वो बेगुनाह थे, उनका किसी भी गतिविधि से हमारे बच्चे का कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मिलिट्री ऑफिसर उनकी बात नहीं मानते। तभी उन दोनों लड़कों की जो मां रहती है वो अपने आंख पे घासलेट डाल के आग लगा देती है और बस केस सेंसिटिव हो जाता है। अब जब केस सेंसिटिव हो गया तो किसी न किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बुलाना पड़ेगा। अब एंट्री होती है मेजर मोनिका की, मेजर मोनिका यानी कि जेनिफर विंगेट की। जेनिफर विंगेट आने के बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। फिर इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या ट्विस्टेड टर्न्स देखने को मिलते हैं, क्या उस रात जो एनकाउंटर होता है वो दो लड़कों का वाकई में कोई टेररिस्ट थे, कोई आर्म सिविलियन थे, या आर्मी ऑफिसर अजय पासवान जिसकी मौत हुई थी उसकी मौत की वजह क्या थी, क्या वो लड़कों की गोली के से वो लड़का मारा गया था या उनको मारने वाला कोई और है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो ये शो का जो कॉन्सेप्ट है, देखो मेरे लिए कुछ नई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं मूवीज देखता हूँ, बहुत सारी सीरीज देखता हूँ, तो जो ये कॉन्सेप्ट था मेरे लिए कोई नया नहीं था, इसलिए मुझे ये टाइम पास शो लगा। हाँ, मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करो तो जेनिफर विंगेट का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, और हाँ इसके साथ तनुज विरमानी का जो रोल था वो रोल मुझे एक फिल्म सीरीज की याद है, मुझे याद है धूम की सीरीज, जिसमें अभिषेक बच्चन का जो रोल होता है बिल्कुल उसी तरीके का रोल है, बस एक कॉमेडिया मतलब चुतिया पांव वाला रोल है। मुझे पर्सनली उनके रोल में कुछ ऐसा खास अच्छी चीज नहीं लगी जिसके बारे में यहाँ पर बात कर सकूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जेनिफर विंगेट का काम अच्छा लगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, और स्पेशली ये उनको रोल इसीलिए दिया गया क्योंकि काफी पॉपुलर फेस है टेलीविजन में और इनको काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, और एकता कपूर से इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, इस वजह से उनको इस सीरीज में लिया गया। इस सीरीज में मेरे लिए पर्सनली ऐसी कुछ भी नई बात नहीं थी जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे। मैं मानता हूँ कि सीरीज अच्छी है, लोगों को पसंद भी आएगी, लेकिन ये मेरे टाइप की सीरीज नहीं थी। अगर आपको ये सीरीज देखनी तो आप इसको देख सकते हो, इसमें सिर्फ 8 ही एपिसोड देखने को मिले, हर एपिसोड के लगभग 22 से 27 मिनट के बीच में, तो लेंथ ज्यादा नहीं है, और हाँ ये सीरीज आपको बीच में बोर नहीं करती, लेकिन आपको 6 एपिसोड तक लगभग सब कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो बस मेरे लिए तो ये काफी प्रेडिक्टेबल था, अगर आपको ये अच्छी लगी और आपने ऑलरेडी देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना, मैं हूं राशिक, बाय।